नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल RS टेक्निकल गुरु में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आप कैसे बनेंगे। पुराने पोर्टल से आप जब भी जन्म प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से मैसेज शो होता है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इस प्रॉब्लम से। आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि अब जन्म प्रमाण पत्र और डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे। न्यू प्रोसेस आया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखिए, हम सिटीजन सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं और जैसे ही हम आवेदन भरें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने सेवा के टाइप खुल के आ जाएंगे। हमें कौन सा आवेदन करना है, हमको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो जन्म प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस टाइप का मैसेज शो हो रहा है, काफ़ी सारे लोग इससे परेशान हैं। वर्तमान में ये सेवा इस पोर्टल पर उपलब्ध है तो इसका URL हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने URL किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद में मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये साइट यहाँ पर ओपन हो रही है, crs.org.gov.in। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइट ओपन हो चुकी है। अभी हमें यहाँ से कैसे अप्लाई करना है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस साइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है जनरल पब्लिक साइन अप, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा साइन अप का, इसको हमें साइन अप कर लेना है। यूजर नेम, एक बात मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे उन सभी के लिए आपको अलग अलग साइन अप करना होगा। यहाँ पर अभी डेमो एग्जांपल के लिए मैं अपना ही साइन अप करके दिखाता हूँ। यूजर नेम मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, डिफरेंट। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डेट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट, जो भी जन्म या मृत्यु की जो भी डेट है यहाँ वो आपको डाल देना है। मैं सपोर्ट डेट 3 यहाँ पर चूज कर दिया, 3 मार्च है। यहाँ पर स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना है आपको, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, तहसील छिबरामऊ चूज कर लेना, जो भी आपकी तहसील हो। यहाँ पर टाउन जो भी आपका लगता हो वो आप चूज कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन यूनिट, यहाँ पर पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन यूनिट। रजिस्ट्रेशन यूनिट, अगर बच्चे का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में, तो आपको CHC चूज करना है, अदरवाइज नगर पालिका गुरसाईगंज चूज कर देना है। अब हमें यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ये मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया और मेरी मेल पर ये बता रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज़ चेक योर मेल एक्टिवेटेड यूजर ID। ये फ्रेंड्स हमारी मेल पर एक मेल गई है, अभी मैं चेक करता हूँ क्या मेल आई हुई है।
ये देखिए मेल आ चुकी है CRS यूजर रजिस्ट्रेशन की, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन आईडी मेरी दी गई है यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड पर पेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इस लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अभी ये जो है यूजर आईडी मांग रहा है, यहाँ पर अपनी यूजर आईडी हम डाल देंगे और यहाँ पर न्यू पासवर्ड, पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए यही वाला पासवर्ड मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। आप भी अपने तरीके से कोई नया पासवर्ड बना सकते हैं, यहाँ पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक प्लस स्पेशल करेक्टर, जैसे कि एट द रेट हैज, ये सब मिक्स होना चाहिए, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। सबमिट किया तो ये डिटेल कुछ रॉन्ग बता रहा है। अच्छा, अपडेटेड सक्सेसफुली, ये पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने आईडी यहाँ से कॉपी की, यूजर आईडी यहाँ पेस्ट कर दी मैंने। अब पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये कैप्चा में फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए आप इस तरह से। ये मैंने देखिए फ्रेंड्स लॉगिन कर लिया है। ये एक नोटिस आ रहा है, अटेंशन नोटिस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये तीन चार ऑप्शन काफ़ी दिए गए हैं। मुझे होम से भी, हमको बर्थ अप्लाई करना है तो हम लोगों को बर्थ पर क्लिक करना है। बर्थ या डेथ जो भी आपको अप्लाई करना है उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सपोर्ट डेट आप यहाँ बर्थ का एप्लीकेशन करना है आपको, तो आपको एड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर एड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। ये मैंने क्लिक किया बर्थ रजिस्ट्रेशन पर और ये फॉर्म ओपन हो चुका है। इस तरह से आपको ये फिल कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज में फिल करना चाहें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारे कॉलम आपको फिल करके सबमिट कर देना है, और इसी तरह से अगर डेथ का आपको अप्लाई करना है तो आपको डेथ पर क्लिक कर लेना है, एड डेथ रजिस्ट्रेशन इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, डेथ का फॉर्म खुल चुका है, डेथ रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही नया तरीका है, इसी न्यू तरीके से आपके डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट अब बनेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो एक बना के दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा फिल करके दिखाऊं डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन को, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझे ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।